हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके ही चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में एक बार फिर से जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला है यहाँ पे वीसीसी वर्सेस पीआरबी के जो बीच मैच होने वाला है इस मैच की वीडियो तो वीडियो को अच्छे देखना क्योंकि पीआरबी के बारे में आप कुछ प्लेयरों के बारे में भले इनके मैच हो चुके हैं बट आपको हर प्लेयर के बारे में मैं उसका रोल बताने वाला हूँ कि पास्ट मैच में उन्होंने क्या किया है ताकि आपको ग्रैंड लीग में एक बहुत अच्छा टीम बनाने में हेल्प हो तो उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो आपका हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है जिसका नाम है ड्रीम इलेवन डॉक्टर आपको स्क्रीन पर नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है पर आपको हमारे टेलीग्राम के रियल और ओरिजिनल चैनल से जुड़ना कैसे है उसी तरीके को फॉलो करना नहीं तो आप किसी गलत चैनल से जुड़ जाओगे वो करना क्या है कि वीडियो के नीचे जाना है जहाँ पे कमेंट करते हैं वहाँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन जहाँ पे बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वीडियो के नीचे वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा कमेंट में या टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा लिंक सबसे ऊपर होगा ब्लू कलर का होगा उस पर क्लिक करना टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा देन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और उस पर ग्रैंड लिग में रैंक वन की फोटो लगी होगी पंद्रह हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे ठीक है तो भाई हमारा टेलीग्राम चैनल है तो पी के जो बी कि जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर उनके बारे में बताता हूं जो लास्ट टूर्नामेंट रहा था इनका तो उनका कैसा रहा था इनका जो प्लेयर एस दवीजी जो करके जो प्लेयर है बैटिंग सेक्शन में दिया हुआ है ये रहा था उस टूर्नामेंट में आई थिंक हाइस्ट एंड गेटर और अपनी टीम के लिए भी रहा था तो हमें पांच मैचिस में पांच एक सौ चौवन रन है और अपनी टीम के लिए हाइस्ट एंड गेटर ही रह रह रहा था पर पूरे टूर्नामेंट में भी रहा था पांच मैच एक सौ चौवन रन और काफी कंसिस्टेंट बैट्समैन था आपको बैटिंग सेक्शन में मिल जाएगा दूसरी बात करें तो ये अवेलेबल नहीं है इस वाले मैचेज में मतलब ये स्क्वाड में नाम नहीं है इसका बाकी बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन में आपका देवेंद्र सिंह के बारे में दे रखा है पांच मैचेस में अठहत्तर रन थे उस टूर्नामेंट में इसके तो इसके देखोगे तो बहुत अच्छे ठीक ठाक है बट इतने अच्छे भी नहीं है बट स्टिल उस टूर्नामेंट में इसने काफी अच्छी बैटिंग करी थी पर पार्ट टाइम बॉलिंग भी की थी मैच में इसने करी थी और विकेट भी ली थी देन प्रदीप गं, गंगगप्पा के बारे में पाँच में अड़तीस विकेट कीपिंग सेक्शन में दिया हुआ है तो अपोनेंट वाला जो विकेट कीपर है ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे देवेंद्र सिंह ज़्यादा बेटर रहने वाला है यहाँ पे गंगगप्पा से तो यहाँ पे बाकी बारे करें तो नीचे कैसे कैसे प्लेयरों के दिए हुए तो आप देख सकते हो दैन अगर सर सेम बॉलिंग में देखोगे तो यहाँ पे एस दवी जी के बारे में पाँच मैच में छः विकेट लेते हाइस्ट विकेट टेकर अपनी टीम के लिए दैन यहाँ पे ये आया था देखो मैंने देवेंद्र सिंह के बारे में बात की थी पाँच मैच में पाँच विकेट पर यहाँ पे ये आपको बैटिंग बॉलिंग के चांस कम है क्योंकि इनके पास बहुत बॉलिंग से ऑप्शन अवेलेबल होंगे बट फिर भी एक एग्जामेशन लगा सकते हो कि पार्ट टाइम कभी एक बार टीम एक आधा ओवर डलवा दे तो उसके बता रहा हूँ कि देवेंद्र सिंह बॉलिंग भी करता है जो आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में दिया हुआ है बाकी बात करें नीचे आप देख सकते हो जय हक करके जो प्लेयर है ये भी बॉलिंग कर लेता है आपको बैटिंग सेक्शन में दिया हुआ है बट उसके बैल बॉलिंग के चांसेस कम है क्योंकि उस टूर्नामेंट में भी बहुत कम बॉलिंग करता था ये तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो दूसरे और प्लेयर जो अवेलेबल है जैसे साहिल ग्रोवर है जो ओपन करने आ रहा है बैटिंग कर रहा है इसने चार मैच में एक विकेट लेता है उस टूर्नामेंट में जो जो प्लेयर आपको अवेलेबल दिख रहे हो वो स्क्वाड में तो आप देख सकते हो यहाँ पे और बैटिंग में अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए थे इस टूर्नामेंट में साहिल ग्रोवर ने जो ओपन करने आ रहा है चार मैच सतर रन बनाए थे देन सुमित पोखरियाल आया था चार में पैंतालीस जो पार्ट टाइम जो इसमें ओवर भी कर रहा है वो दो ओवर देन आपको जो बॉलिंग सेक्शन में दिया हुआ अमृत पाल उसके चार में अट्ठाइस थे देन आप देख सकते हो नीचे से जैसे प्लेयर अवेलेबल है सालियन जो आपको बॉलिंग ऑलराउंडर सेक्शन में दिया हुआ है चार मैच में सिर्फ एक रन थे इसलिए मैंने बोलूंगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला आपके लिए ये तो देख सकते हैं यहाँ पे एस दवी जी के बारे में ओपन करने आने वाला इस पर किसी का ध्यान इतना चल नहीं रहा और कैप्टन वाइस कैप्टन के सिलेक्शन रेट इसका बहुत ज़्यादा कम है पर सबसे बेस्ट प्लेयर है बाकी बात करें साहिल ग्रोवर तो मैंने बता दिया इसने अपनी टीम के लिए इस टूर्नामेंट में सबसे आराम बनाया था और ओपन करना आ रहा है इस टूर्नामेंट में ठीक ठाक बैटिंग कर रहा है पोखरियाल तो दो ओवर तक तो कर ही प्लस बैटिंग भी अच्छी कर रहा है और उस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस इसने दी थी साजी भुयन थी आई थिंक एक जी थी एक टीम थी दूसरी उसके लिए ये अपनी टीम का मेन ऑलराउंडर था और बेस्ट प्लेयर था तो इसको भी अपनी टीम में लेना मत भूलना साजी भुयन और बहुत बढ़िया प्लेयर है तो आई थिंक जो बॉलिंग नहीं कर रहा इनमें से बस वो तो साइल ग्रोवर नहीं कर रहा है अदरवाइज तो देखा जाए तो तीनों बैट्समैन बॉलर अवेलेबल है आपके टॉप फोर में और नीचे देखो तो बॉलिंग में आने वाले हैं यहाँ पे भुयन वकार फरहाद और पोखरियाल और दवीजी तो वही भुयन और फरहाद एक टीम के लिए खेला करते थे अच्छा भोइमिन भोमिन करके एक टीम थी उसके लिए खेला करते थे तो उस टीम के लिए भी वहाँ पे इसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी अब्दुल आई थिंक फरहाद ने और वक़ार आई थिंक वक़ार भी उनकी सेम टीम में अवेलेबल था भुयन ने भी तो दोनों बहुत अच्छे प्लेयर अपनी टीम के लिए अगर आप वी सी सी के बारे में बात करेंगे तो क्या बैटिंग ऑर्डर रह सकता है यहाँ पे सिद्धार्थ गौड आने वाले यहाँ पर आने वाले विकेट कीपर पियर्स देन ऋतिक तोमर इनकी टीम का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर और देन बात करेंगे हैंडरिच बाकी हैंडरिच इनका सबसे बेस्ट फील्डर है टीम का और पार्ट टाइम बॉलिंग भी करता है और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है और बॉलिंग में चेक करोगे तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे ऋतिक तोमर डालेगा निर्मल कुमार डालेगा सिद्धार्थ गौड डालेगा इसकी मैंने जो पहले वीडियो डाली थी वी सी सी के ऊपर पूरी मैंने एक्सप्लेन की थी इसकी टीम के बारे में तो आप जाके देख सकते हो देखना चाहो तो और यहाँ पे हरी हसन है यहाँ पे भिंदर है भिंदर की बॉलिंग चल चांसेस इतने कंपल्सरी नहीं है कि डालेगा नहीं डालेगा बाकी तो देख सकते हो आप चार से पांच प्लेयर फिक्स हैंंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो तो टीम निकल के आती है आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो टीम बननी चाहिए स्मॉल लीग में वो ये निकलनी चाहिए यहाँ पे देख सकते हो आप पूरी की पूरी टीम यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एक बार आपको मैं भी ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन बताऊंगा तो इस बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस टीम को मैंने क्या सोच के बनाया है देवेंद्र सिंह को इसलिए बनाया है। मैंने अट्ठाईस परसेंट सिलेक्शन है उस टूर्नामेंट में आई थिंक सेकंड है थर्ड हाइस्ट रन कैटर आया था टीम के लिए और विकेट टेकर भी तो बॉलिंग के चांस थोड़े कम है बट स्टिल बैटिंग में अच्छी कर लेता बहुत ज़्यादा और पीएर्स टूर्नामेंट में इतना कोई अच्छा परफॉर्मेंस था नहीं इसलिए चक्कर में एट्टी थ्री परसेंट सिलेक्शन है सिर्फ इसलिए एट्टी थ्री परसेंट सिलेक्शन है इसका कि इसके अड़तीस पॉइंट है इसके इक्कीस पॉइंट है तो वह है किसकी बैटिंग आई नहीं अभी तक इतनी आई नहीं अभी तक और इसकी आई है तो बस यही फर्क है बाकी देखा जाए देवेंद्र सिंह को मौका मिले तो इससे अच्छा फॉर्मेंस कर सकता है बाकी आपको फिर कोई सेफ जाना है तो फिर आप स्पीय के साथ जा सकते हो अदरवाइज देखें तो देवेंद्र ज़्यादा बैटर है बट देवेंद्र की बैटिंग नहीं आई तो ये थोड़ा इसके लिए ड्रॉ ड्रॉबैक वाला पॉइंट है तो आप देख सकते हो प्लियर्स सेफ है यहाँ पे आपके लिए स्पीयर्स और अगर आपको आ, अच्छे प्लेयर के साथ जाना है और ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना है देवेंद्र सिंह को क्योंकि देवेंद्र सिंह ज़्यादा बेटर है मैं आपको पहले बोल रहा हूँ गनगप्पा आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं हमारे इतना विकेट की भी देवेंद्र सिंह कह रहा है तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्मॉल लीग में आप पीयर्स में अगर सेफ जाना पीयर्स के अंदर जा सकते हो ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में अगर थोड़ा डिफरेंट करना है तो आपके लिए दोनों दो, दोनों के लिए अच्छी पेक है देवेंद्र सिंह बाकी बात करें ए सीम ने इस टूर्नामेंट को अच्छा परफॉर्मेंस किया है इसलिए उसमें हम बाहर रखने वाले हैं देन एस गॉड के बारे में बात करें तो उस टूर्नामेंट में इसका इतना अच्छा कोई परफॉर्मेंस रहा नहीं था बट स्टिल इस टूर्नामेंट में बॉलिंग कर रहा है मतलब बैट बॉलिंग से कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था बट स्टिल इस टूर्नामेंट में आता है ऑलराउंडर खेल रहा है बैटिंग कर रहा है बॉलिंग कर रहा है इसका सिलेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है पर मुझे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो थोड़ी रहते हैं कि जो बोलोगे कि एक जो स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है पी की थोड़ी नजर आती है बट स्टिल देखे तो आ, इनके पास अच्छे प्लेयर एक दो ही अवेलेबल है यहाँ पे एस गॉड और ऋतिक तोमर जैसे प्लेयर अवेलेबल है टीम अच्छा कर सकते हैं बट थोड़ी स्ट्रांग नज़र मुझे पीआरबी की टीम आती है कि पीआरबी का थोड़े अच्छे प्लेयर अवेलेबल है बट एक क्रिकेट है तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये इतने हाई प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ये कभी भी कोलेप्स हो सकते हैं बाकी बात करें दवीजी ही मेरे लिए रहेगा पूरी टीम सारी टीम में सबसे बेस्ट ऑलराउंडर वो बात अलग है कि मैच परफॉर्म इस अगले में करे ना करे बट मेरे लिए तो रहेगा दवीज ही सबसे बेस्ट ऑलराउंडर बाकी बात करें रक्षित है जय हक उस टूर्नामेंट में कुछ ओवर कर लिया करता है बट यहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेयर अवेलेबल है काफ़ी टीम के अच्छे अच्छे प्लेयर मिलके एक टीम बनाई है तो यहाँ पे अच्छे खासे प्लेयर अवेलेबल है तो इसके बॉलिंग वगैरह के चांस कम है इवन बैटिंग भी दिखती नहीं है मुझे यू गली के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके भी देख सकते हो मैंने आपको स्टेटस दिखाई थे तो वहाँ पे ये अच्छा ऑलराउंडर राउंडर था अपनी टीम के लिए बट इसके चांस कम है और इसको खेलने के मुझे लगता नहीं मौका मिल पाएगा बाकी बोल्टन है यहाँ पे श्री सेना श्री सेना को पहले मैसी ही नहीं खिला रहे और अपनी टीम के लिए उस टूर्नामेंट में वन ऑफ दी हाइस्ट विकेट टेकर रहा था तो अभी तक खिलाया नहीं मैचेस में इसको तो देखते हैं मौका मिलता ही नहीं मिलता अगर खेलता है तो जीएल में ज़रूर ट्राई करना है अलेक्स श्री सेना को बाकी मैं अली वकार के साथ जा रहा हूँ हासा उस टूर्नामेंट तो ओपन करने आ रहा था बट इस टूर्नामेंट में नहीं आ रहा था बट स्टिल इस टूर्नामेंट में ओपनिंग करने के बावजूद ये फ्लॉप रहा था तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा मैं वकार के साथ ज़्यादा बेटर रहने वाले हैं यूसफ सा मैच खेला नहीं था लास्ट कुछ मैच ही और उस टूर्नामेंट में मेडल ऑर्डर में बैटिंग करता था और एक दो ओवर क्रैक करता था और टूर्नामेंट कोई इतना अच्छा गेन इसका इसका फालतू तो का इसका जो क्रेडिट इतना दस क्रेडिट दे रखा उसके अकॉर्डिंग इसका टूर्नामेंट वहाँ पे भी अच्छा खासा गेन था, था। सालियन का मैंने दिखाया था कि ये आई थिंक मेरे को दिखा नहीं इम्पोर्टेंट लगता है हमारे लिए ऋतिक तोमर बहुत बेस्ट रहने वाला है इनकी टीम का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर बी सी सी का देन निर्मल कुमार है यहाँ पे बात करें बात करें आते हैं यहाँ पे पोखरियाल और यहाँ पे अगर आप बात करते हैं, निकल के आते हैं यहाँ पे यहाँ पे हैंनरिच आपके लिए ग्रैंड लीग के विक रहेगा अगर दोनों टीम में सबसे बेस्ट फील्डर कोई अवेलेबल है तो हैंनरिच है और बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है पार्ट टाइमर है बट रेगुलर बॉलर नहीं है बॉलिंग मिलने ना मिलने में बहुत रिस्क रिस्क है मुझे लगता है नहीं बॉलिंग मिलेगा क्योंकि इनके ऑलमोस्ट बॉलर फिक्स है और बैटिंग में सेकेंड ऑन वगैरह बैटिंग करने आ सकता तो यहाँ पे एक्सपेक्ट करो फील्डिंग और बैटिंग से ही पॉइंट देगा इसलिए स्मॉल लीग में हमारे प्रेफर रहने वाले नहीं है ग्रोवर को सिर्फ मैं ऑलराउंडर सेक्शन में इसलिए मिस कर रहा हूँ क्योंकि ये बॉलिंग करता है बैटिंग करता है बॉलिंग करता है बैटिंग करता है बॉलिंग करता है बैटिंग करता है बॉलिंग करता है और थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है तो यहाँ पे एक लौता प्लेयर ऑलराउंडर में अवेलेबल है वो है साहिल ग्रो साहिल ग्रोवर जो बॉलिंग बॉलिंग नहीं करता इसलिए मैं मतलब करेगा नहीं तो यहाँ पे इसलिए मैं इसको थोड़ा छोड़ के जा रहा हूँ अदरवाइज आप ले सकते हो क्योंकि ओपन कर रहा और अच्छा प्लेयर लास्ट टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस की थी बैटिंग से रहे तो आपको ऑलराउंडर में दो प्लेयर और एक्स्ट्रा नजर आते हैं तो मुझे नजर आते हैं वहाँ पे साहिल ग्रोवर और हेनरिच इन दोनों का आप डेफिनेटली इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना इसको स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों के लिए ट्राई कर सकते हो अगर लेना चाहो तो यहाँ पे निर्मल कुमार की जगह ले सकते हो यहाँ पे ग्रोवर को बाकी बात करें अब्दुल फरहाद के साथ जा रहे हैं एवीएस वी करके एक टीम थी जहाँ पे सैयद साजिद भुयन वगैरह अपनी टीम के लिए खेला करते थे तो वहाँ पर इसने रेगुलर रे, 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 काफ़ी अच्छे विकेट टेकिंग परफॉर्मेंस की थी प्लस बैटिंग भी ठीक ठाक कर देता है और लास्ट मैच में अच्छे विकेट लेके भी किया गया था अपनी टीम में मिस मत करना फरहत को बाकी बात करें यहाँ तो पी कुमार समद तो ये इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे इनको थोड़ा इग्नोर करके चल रहा बाकी बात करें आर सिंह बिश्ट के बारे में बात करें तो इसने भी कुछ टूर्नामेंट में यहाँ पे दो ओवर रेगुलर हर मैच में डाला करता था पर विकेट रेगुलर नहीं निकालता था और यहाँ पे अभी मुझे लगता नहीं चांस मिल पाएगा बाई चांस अगर आपको दिख जाता है अगर कोई दूसरा प्लेयर बैठता है भारत इसको मौका मिलता है तो इसको जेल में ट्राई कर सकते हो क्योंकि इस टूर्नामेंट में इसने ऑलमोस्ट सारे मैच में बॉलिंग करी थी तो बॉलर है एक मेन बॉलर के रूप में खेलता है मही रेड्डी के बारे में बात करें तो इसको खेलने का मौका नहीं मिला और आपको मैंने अभी दिखाया था सेकेंड हाइस्ट विकेट टेकर था अपनी टीम के लिए देख सकते हो पाँच मैच में छः विकेट तो समझ सकते हो कितना बढ़िया बॉलर है मही रेड्डी तो लास्ट मैच खेला नहीं है किसी को पता नहीं मही रेड्डी अगर आपको दिख जाए स्मॉल लीग में ना ट्राई करो तो ग्रैंड लीग में जरूर करना और शायद मैं आपको दिख जाऊंगा यहाँ पे अगर मही रेड्डी खेले कर तो चौधरी की जगह मैं मही रेड्डी ले लूंगा डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट ठीक है तो ये रहने वाली मेरी पिक अगर ये खेलता है स्टू मैन भी अच्छा प्लेयर था मौका मिलता है तो अच्छी बॉलिंग करता है ये भी चार मैचेस में आप देख सकते हो टूर्नामेंट में दो विकेट सिक्स हाइस्ट विकेट टेकर था बट इतना अच्छा नहीं है जितना मही रेड्डी ज़्यादा बेटर है इससे बहुत ज़्यादा दैन राय की मैंने आपको बैटिंग स्टैटस दिखाए थे हसन बैटिंग और बै... अच्छी खासी बॉलिंग करा था हसन को मिस मत करना विकेट काफ़ी अच्छी निकाली थी इस टूर्नामेंट में अभी चल रहा है बाकी भटनागर है इसको इतना मौका मिला नहीं इस टूर्नामेंट पर नाइस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएगा बॉलिंग का बैटिंग का मौका मिलेगा नहीं यहाँ पर तो आई थिंक मेरे लिए ये टीम रहने वाली है अगर यहाँ पे मही रेड्डी खेलेगा तो आई थिंक मही रेड्डी के साथ जाने वाला हूँ चौधरी के कम्पेरिजन में तो यहाँ पे आई थिंक ये मेरी टीम बन सकती है और कैप्टन के लिए देखो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ दवीजी बहुत अच्छा प्लेयर है बट अब देखना अब सिलेक्शन रेट क्या फिफ्टी फाइव परसेंट है अब देखो मैच के ऊपर है कि वो ऋतिक अच्छा करता है या दवीजी फिर फ्लॉप होता है बट दवीजी मैं अभी स्टिल बोलूँगा कि सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है दोनों टीम में अगर आप कंपेरिजन करोगे तो मेरे लिए आई थिंक मैं दवीजी के साथ जा रहा हूँ क्योंकि बैटिंग कर रहा है अच्छी और बॉल लास्ट टूर्नामेंट्स का बहुत अच्छा क्या था बैटिंग से बॉलिंग से और बहुत अच्छा प्लेयर है दवीजी और आई थिंक ए जैक इंटरनेशनल प्लेयर भी और काफ़ी अच्छा प्लेयर है चेक रिपब्लिक और यहाँ बात कर करें आते तीन ऑप्शन आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बनते हैं यहाँ पे दवीजी गॉड और यहाँ पे तोमर अब देखो जनता देखो गॉड के साथ भी है तो जा सकते हो आप बट मैं जा रहा हूँ दवीजी के साथ और यहाँ पे वाइस कैप्टन तोमर आपके पास गॉड अच्छा खासा ऑप्शन अवेलेबल है और अब यहाँ पे आप ग्रैंड लीग में किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो यहाँ पे ले रहेंगे यहाँ पे ये दो बंदे पोखरियाल और भुयन जो बहुत अच्छे प्लेयर हैं स्पेशल पोखरियाल पे थोड़ा ध्यान रहने वाला है क्योंकि बैटिंग भी ऊपर करने आ रहा है बॉलिंग भी कर रहा है और यहाँ पे इनकी टीम थोड़ी मुझे हल्की सी स्ट्रॉग नज़र आती है ठीक है और इनके बॉलर फरहाद पे ध्यान दे सकते हो ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन के ऊपर तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है यहाँ पे आप विकेट कीपर दूसरा ले सकते हो अगर आपको थोड़ा सेफ जाना है जो प्लेयर्स करके सिलेक्शन है एट्टी थ्री परसेंट है दबीजी ले रहा हूँ मैं यहाँ पे वक़ार है यहाँ पे, पे गॉड है यहाँ पे आप ग्रैंड लीग में दो जिसको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे भैयान और पोखरियाल और फ़रहाद तो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिया आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर बटन नीचे दिखाई जा रहा है और घंटी दबाना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जब भी वीडियो अपलोड करो और दोस्तों के शेयर करना और कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछे सबका कर रिप्लाई करूँगा और टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम कमेंट जहाँ करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा लिंक पे क्लिक करना टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा धन स्कूल ज्वाइन कर लेना और ग्रैंड में बेन्नपन की फोटो लगी पंद्रह हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हमें मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ हिंद दोस्तों बाय बाय